वेलकम बैक फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। मैं ये दिखा रही हूँ सैटरडे इवनिंग का, और कुछ दिन हो गया है हमारे घर में कुछ रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, इसीलिए भी मैं थोड़ा बिजी हूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डस्टिंग का काम इतना पड़ रहा है। घर ऐसा फैला हुआ है, बच्चों के लिए खाना बनाओ और ये देखो किचन का हालत, डाइनिंग टेबल का हालत, और किचन में ये थोड़ा सा बचा हुआ प्लाई था तो उसका जो सेल्फ दो बना रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन हमारा पुराना जैसा है, ये घर भी पुराना हो गया है तो उसी हिसाब से वो बना हुआ था, ज़्यादा कुछ सेल्फ नहीं है, इसलिए मैं सोचा दो इस तरह बना लूँ, और एक बचा हुआ था और उधर भी एक बनाई हूँ और यहाँ पे हैंगिंग के लिए रखी हूँ दरवाजे के पीछे से, और उसको थोड़ा कलर कर लेने से ये मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि कैबिनेट बना लो तो ये ज़्यादा तो खर्चा होगा, पर ये घर के हिसाब से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये घर ऐसे ही पुराना हो गया है और उसका जो सीमेंट का जो प्लास्टरिंग है वो भी थोड़ा वीक पड़ गया है, तो उसमें बनाओ तो वो भी ख़राब हो सकता है और हमारा जो खर्चा होगा वो भी बेकार जाएगा। तो ऐसे सिंपल काम चलाओ बनाए हैं, और संडे मॉर्निंग में ये तो बारिश हो गया था, बारिश के बाद बेटा गया था हेयर कटिंग के लिए, और उसके बाद वो लोग गए, बेटी का एग्ज़ाम था, और ये जो एग्ज़ाम है कोरोना की वजह से दो बार कैंसिल हो चुका था, और ये 12th बोर्ड के बीच में ये एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम सेंटर का थोड़ा सा क्लिप्स दिखाई हूँ। मैं नहीं गई थी, और ये मेरा छोटे भाई का घर आप लोग देखे हैं न्यू ईयर का ब्लॉग में, और जो मेरा छोटे भाई का बेटा है दिव्यम, वो तो ज़्यादा खुश है। बेटी का जो एग्ज़ाम का सेंटर था मेरे छोटे भाई के घर से थोड़ा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो बाप बेटे वहीं पे रुके थे और बेटी को 5:30 इवनिंग तक लेके आ गए, तो वो जब रुके थे लंच तो वो दोनों वहीं पे किए थे। हस्बैंड तो सिंपल खाते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं। हम लोग ऐसा है, हमारे घर में बेटा ज़्यादा नॉनवेज का शौकीन है, हम लोग नहीं खाते हैं, बेटी कभी कभार खाती है, और ये दोनों बैठे हैं, और जो मैं पके हुए आम थोड़ा भेजी थी पल्प को ऐसे निकाल के खेल रहे हैं और देख रहे हैं किसका अच्छा निकल रहा है, और मेरे जो भाभी है वो बनाई है चिकन वाला रेसिपी, चिकन पुलाव, चिकन कोसा और रायता, और ये सब एंजॉय कर रहे हैं लंच में, और थोड़ा एंजॉय करके वो दोनों उसके बाद बातचीत, और जैसे बच्चे मिल जाते हैं आपस में तो उनका तो अलग सा कुछ माहौल होता है, और बीच में इस तरह चेंज हो जाने से बच्चों का दिल भी खुश हो जाता है और वो थोड़ा एंजॉय कर ले तो अच्छा भी है। हाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी डिनर में मैं आटा गूंद के रखी हूँ पूरी बनाने के लिए, और बच्चों का पसंद है पूरी के साथ आम रस, आम तो है उसका रस बनाना तो इजी है, चलते हैं पूरी और आम रस बना लेते हैं। अभी मैं आम रस बनाने की सोच रही थी, और पहले बेटा ने बोला जो पल्प आप रखे हैं उसको थोड़ा मिल्क शेक बना के दीजिए, तो मैं अभी ये तो थोड़ा हार्ड है, मैं ऐसे ही निकाल लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे एक ग्लास हो जाएगा दूध मिला के बना लूँगी। और अभी देखिए ये पका हुआ आम एक गिरा है, उसके साथ ये ज़्यादा आइस हो गया है, हार्ड हो गया है, थोड़ा सा ये चिल्ड वाला पल्प और एक ये वाला फ्रेश मिला लो तो बैलेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, और आप लोगों को तो मैं पहले दिखाई हूँ अमूल स्प्रे के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, नहीं तो दूध के साथ तो हमेशा बनाते हैं, आज मैं अभी दूध के साथ बनाऊंगी।
ये जो पल्प थोड़ा सख्त हो गया है मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके मिक्सी जार में दे रही हूँ, और ये वाला चिल्ड वाला और एक फ्रेश मिला के एक ग्लास बनाने के लिए सोच रही थी, पर सबके लिए बना रही हूँ। ये देखिए चिल्ड वाला और फ्रेश वाला मिला के बना रही हूँ और थोड़ा पतला बना रही हूँ। ये जो भाप देख रहे हैं ये है जो चिल्ड वाला पल्प है, मैंगो पल्प, ये नॉर्मल दूध है, वो मिला लेने से थोड़ा भाप जैसा आया, पर मेरा जो दूध है वो नॉर्मल था। और अभी मैं मिक्सी चला के उसको इस तरह बनाई हूँ, जैसे पी सकते हैं बच्चों को जैसे पसंद हो, पर आप चाहें आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद हो इसमें तो ऐड भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे ऐसे ही प्लेन पीते हैं, और मीठा आपके हिसाब से आप ऐड करना, आपका आम कितना मीठा है और बच्चे कितना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से चीनी मिला के आप इस तरह बना सकते हैं। और जो आम रस बनाने के लिए सोच रही थी, और ज़्यादा फ्रेश पल्प मिला के और थोड़ा चीनी मिलाई हूँ 4 बड़े चम्मच जैसा, और दूध थोड़ा सा, और ये ऐसे ही जैसे बनाई थी पहले बच्चों के लिए उससे थोड़ा गाढ़ा। ये सिंपल आम रस का ट्रिक है, और कुछ उसमें नहीं मिलाना चाहिए, और ऐसे ही तो ये अच्छा लगता है। और उसको बना के मैं फ्रीज में रख लूँगी, 1-2 घंटे रख लो तो चिल्ड हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने के टाइम। अभी पूरी तल लेते हैं। मैं लोहे की कढ़ाई अच्छे से आज साफ की हूँ, उससे तेल गरम के लिए रखी हूँ, और तेल जब गरम हो जाएगा, ये पहले बेटी 2 पूरी बेल के रखी थी, बनाई है, मैं कभी कभी बोलती हूँ थोड़ा सीखे तो पढ़ाई तो करेंगे पर बीच में थोड़ा सीख लें तो अच्छा है। पहला वाला जो 2 है बेटी बनाई है, और बाद में मैं 2 बना के आप लोगों को दिखाई हूँ। इस तरह कभी कभी बच्चे भी कुछ सीख लेना चाहिए। तो वो एग्ज़ाम दे के आई थी थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, किचन में मेरे पास थी, तो ऐसे ही पूरी मैं तल रही हूँ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज का जो मेरा सिंपल डिनर है उसको ही आप लोगों को दिखाई हूँ। आजकल तो आम ज़्यादा मिल रहा है, हमारे घर में आम का पेड़ है, पर नहीं तो मार्केट में भी मिल रहा है। बच्चों को थोड़ा चेंज चाहिए, वही आम से हम ड्रिंक बनाएं या आम रस बनाएं, बना के दो तो वो भी थोड़ा खा लेते हैं अच्छे से। तो पूरी के साथ आम रस तो बहुत टेस्टी भी लगता है। और पूरी तलना मेरा हो गया है, और मैं आप लोगों को एक आम रस के साथ प्लेटिंग भी लास्ट में दिखा दूंगी। और आज का ये जो ब्लॉग में मैं इसी के साथ ही एंड करूंगी, और ज़्यादा क्लिप्स ये ब्लॉग में नहीं ली हूँ, और आप लोगों से मैं आमने सामने बात भी नहीं की हूँ, पर चलता है ऐसे ही, कुछ मेरा रूटीन है उसको ही मैं शेयर करती जाऊंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।